साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे मॉक्सीविन पीडी आई ड्रॉप। साथियों मॉक्सीविन पीडी आई ड्रॉप है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जानेंगे, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेज एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे, इंट्रेक्शन एमआरपी की बात करेंगे। साथियों मॉक्सीविन पीडी आई ड्रॉप इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन कंटेनिंग पिडनीसिलोन। साथियों इसके अंदर पिडनीसिलोन मिला है जो कि एक स्टेरॉइड होता है, विच इज स्टेरॉइड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक इसके अंदर और एक स्टेरॉइड पिडनीसिलोन मिला है। साथियों दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एंड इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव कंडीशन ऑफ द आई। कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रिस्पांस जब और द ड्रॉप डालने से नहीं आता है, मतलब समस्या ठीक नहीं होती है, ऐसे केस में मॉक्सीविन आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों मॉक्सीविन आई ड्रॉप जो है 102 रुपये इसकी एमआरपी है, 5 ml का ड्रॉप है, ये इसका बॉक्स है, इस तरह का ड्रॉप होता है। साथियों नोबल विजन मेडी प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों यूजेस की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव कंडीशन ऑफ द आई वेयर देयर आर यूज टू चेंजेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसी तरह का चेंजेस आता है या रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है दूसरी मेडिसिन से, तो ऐसे केस में जो है मॉक्सीविन पीडी आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये साथियों क्या करता है, वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, इचिंग, इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस ऑफ द आई। उस तरह से ये जो है आई का रेडनेस को दूर कर देता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो ये जो है इसको डालने से कभी कभार पेन होता है, इरिटेशन होता है आँख में जो है, और ब्लरीड विजन, धुंधलापन दिखने लगता है। अदरवाइज किसी तरह का ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सीवियर साइड इफेक्ट होता है तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और अपने फिजिशियन या ऑप्थल्मिक डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। साथियों ये वर्क कैसे करता है बॉडी में, जैसा कि अभी बताया कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसका काम जो है वो है कि रिड्यूसिंग स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ द आईज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। साथियों इसमें दो तरह की दवाइयाँ मिली हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है, कंपोजिशन भी बताते थे, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड पिडनीसिलोन एसीटेट इसके अंदर मिला है। साथियों दो तरह के ऑप्थल्मिक कॉम्बिनेशन दवाइयाँ इसके अंदर मिली हैं। स्टेरॉइड है जिसका काम है विच ब्लॉक दिस सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, उससे क्या होता है जो रेडनेस है, इचिंग है, स्वेलिंग है वो होती नहीं है। साथ ही साथ जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक मिली है वो एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक है जो ग्रोथ को उसकी जो है इनहेबिट कर देता है बैक्टीरिया को और किल कर देता है बैक्टीरिया को, और उससे क्या होता है इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे तो मॉक्सीविन पीडी डोज एंड ड्यूरेशन एडवाइज बाय डॉक्टर और फिजिशियन, ऑप्थल्मिक डॉक्टर से या फिजिशियन से सलाह लेने के बाद ही इसका उपयोग करें। अदरवाइज ये इसका बहुत आसान उपयोग है, इसको ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसके अंदर होल हो जाएगा, बट हाथ की फिंगर से टच नहीं करना है और दोनों आई में जो है इस तरह से एक एक ड्रॉप डालना है दिन में 3 बार। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे, अगर कोई पहले से दवाई या बीमारी है तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर बताएं ताकि किसी तरह की इंट्रेक्शन होता है किसी दवाई के साथ, जैसे कि वारफरीन चल रही है, हिपैरिन चल रही है किसी मरीज को, या कार्बामाजिपिन खा रहा है तो उसके साथ इसका उपयोग नहीं होगा, सीजर बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं तो उसमें इसका उपयोग नहीं होगा। साथियों इसी के साथ विराम देंगे। साथियों किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।